जी आपका नाम? राजेश कुमार, जिला अध्यक्ष जो है आरएनटीसीपी संघ बांदा। क्या मांग रहे हैं आप? हम लोगों की चार सूत्री मांगे हैं। पहली तो ये है कि इन्होंने सरकार बनने के पूर्व ये वादा किया था कि हमको नियमितीकरण किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी है समान कार समान वेतन। तो जब तक ये लोग नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तब तक कम से कम समान कार समान वेतन को ही लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो आ चुका है, आदेश है, 2016 सितंबर का आदेश है, बहुत सारे प्रदेशों में उसको लागू भी किया गया है, तो वो किया जाए। और इसके पूर्व में इनके माननीय मंत्री, गृह मंत्री हमारे देश के श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी तो आप लोगों को अधिकार दिलाया जाएगा, लेकिन जब से इनकी सरकार प्रदेश में भी बन गई, केंद्र में भी है, इसके बावजूद हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग मामूली वेतन पे लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन जो मिल रहा है वो अपने समकक्ष जो नियमित हैं उनकी तुलना में 1/4 भी है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि सरकार हम लोगों की समस्याओं पर शीघ्र ध्यान दे, जिससे कि हमारा भी जीवन स्तर बदल सके। धन्यवाद। साहब, किस किस जगह आपका कैंप लगता है? हमारा जो है जितनी भी CSC है जिले की, जैसे जसपुरा, बबेरू, नरेनी, अतर्रा, बहेरी, इन सब जगहों पर जो कैंप लगते हैं। इसके अलावा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो जैसे कमासिन, तिंदवारी और मटौन, जितनी जो PSC हैं इन जगह पर कैंप लगते हैं। जी, आपके सिविल में निःशुल्क दवा चलती है? हाँ, हमारे यहाँ जो है सरकार द्वारा भेजी गई जो डिमांड करते हैं वो दवाइयाँ आती हैं, वो जो है मान निःशुल्क दी जाती है, मरीजों को मानसिक दवाइयाँ सब निःशुल्क। जी आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हरदयाल।